सो हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। एंड गाइज, आज का हमारा टॉपिक है कि आपको होस्टिंग से अपनी वेबसाइट को परमानेंटली कैसे आपको डिलीट करना है। गाइज, काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट को होस्टिंग से डिलीट नहीं कर पा रहे। तो जैसे गाइज आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरी इस होस्टिंग में यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट है। एंड यहाँ से गाइज मैं एक वेबसाइट को डिलीट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को क्या करना कि अपना होस्टिंग अकाउंट, जहाँ पे भी आपका होस्टिंग है उससे गाइज आपको लॉग इन कर देना है। जैसे गाइज आप देख पा रहे कि मैं यहाँ पे पहले से ही लॉग इन हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे गैस आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है। एंड आपके होस्टिंग में जितने भी वेबसाइट होंगे वो सारी वेबसाइट की लिस्ट गैस आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो मुझे कौन सी वेबसाइट करनी गैस डिलीट, मुझे करनी गैस यहाँ पे digitaluk07.com, इस वाली वेबसाइट को मुझे हमेशा के लिए यहाँ पे डिलीट करना है। तो मेरी वेबसाइट में जो भी कॉन्टेंट होगा, जो भी डेटा होगा, जो इमेजेस होंगे, वो सारे इमेजेस पेजेस वो यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। यानी कि गैस कोई भी डेटा हमारे लिए नहीं बचेगा। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को फिर से रिकवर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने वर्डप्रेस वेबसाइट से आपको डेटा को लेना होगा। यानी कि गैस काफ़ी सारे यहाँ पे आपको प्लगइन मिल जाते हैं। जैसे गैस यहाँ पे आपको मिल जाता है WP माइग्रेशन, इस प्लगइन से भी आप बैकअप ले सकते हैं। तो आपको अगर अपनी वेबसाइट का डेटा अगर आपको चाहिए तो आप उसे गैस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को गैस डिलीट करना है। तो यहाँ पर गैस जैसे आपको दिखा जा रहा है कि digitaluk07.com, इस वाली वेबसाइट को मैंने हमेशा के लिए यहाँ पर डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको 3 डॉट शो करेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे डिलीट करके आपको शो करेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे गाइस आपको टिक कर देना है। एंड जैसे टिक करेंगे तो गाइस ये आपसे पूछ भी रहा कि क्या आपको ईमेल अकाउंट, डेटाबेस, कस्टम कोड, ऑर्डर लिस्ट, इमेजेस, ये सारे आपको डिलीट करना है। तो अगर आपको डिलीट करना है इसको टिक करना है। एंड यहाँ पे आपको डिलीट करके शो करेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब गाइस आपको यहाँ पे दिखा था कि digitaluk07.com वॉज डिलीटेड, यानी कि गैस यहाँ से ये वाली वेबसाइट गैस परमानेंटली यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब गैस हम यहाँ पे देख लेते हैं, अभी आपको यहाँ पे शो करा है digitaluk07.com। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा एंड उसके बाद गैस यहाँ पे ये वाली वेबसाइट आपको शो नहीं करेगा। यानी कि जो हमारी वेबसाइट थी वो गैस डिलीट हो गया। अब उस वेबसाइट के गैस आपको यहाँ पे कोई भी नाम नहीं शो कर रहा है। तो आपको भी अगर अपनी वेबसाइट को डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली जो भी होस्टिंग आप यूज़ करते हैं उस होस्टिंग से आप उस वेबसाइट को डिलीट कर सकते हैं। तो सारा डेटा वगैरह, जो भी कॉन्टेंट है वो सारा उड़ जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड आपको ये नहीं कि आपको मुझे वर्डप्रेस वेबसाइट डिलीट करना है, आप डायरेक्टली गाइस यहां से कर सकते हैं। जहां पे भी आपका होस्टिंग है, जिस होस्टिंग में गाइस आपका डोमेन है वहां से आप डिलीट कर सकते हैं। अगर होस्टिंगर में है तो यहां पे गाइस आप डिलीट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को या कोडिंग वाली वेबसाइट को, कोई भी वेबसाइट हो, तो आपको उसे कैसे होस्टिंग से डिलीट करना है। तो परमानेंटली गाइस आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड किसी और से रिलेटेड भी गाइस अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे जाके भी आप मैसेज करके वहाँ पे गाइस मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। एंड गाइस फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस आप लोगों को अपना ध्यान रखना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।